नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वैक्स थेरेपी या पैरा फिन थेरेपी। इस विधि का उपयोग जोड़ों की चोटों के लिए किया जाता है, विशेषकर हाथ व पैर के छोटे जोड़ तथा घुटने के जोड़ के लिए किया जाता है। इसके अलावा हड्डी के टूटे हुए अंग पर चिकित्सीय प्लास्टर खुलने के पश्चात इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रभाव होता है, इसमें रक्त परिसंचरण बढ़ता है, दर्द कम होता है तथा चोट ग्रस्त भाग को आराम मिलता है। अगर पैराफिन की तह मोटी हो तो उष्मा हानि से बचाव होता है। तकनीक, इस विधि का प्रयोग के लिए एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें 2 किलोग्राम ठोस पैरा आफिन मोम, 1 किलोग्राम पेट्रोलियम जेली तथा 1 किलोग्राम पैराफिन द्रव्य मिलाया जाता है। पैराफिन मतलब वही मोम। तीनों को 40 सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर इन्हें आपस में मिलाया जाता है और पैरा फिन थेरेपी के लिए मिश्रण तैयार किया जाता है। वैक्स को भी मोम ही बोला जाता है ना। मिश्रण का आदर्श ताप आइडियल टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड टू 48 सेंटीग्रेड पैरा फिन थेरेपी निम्न के द्वारा दी जाती है। पैराफिन स्नान, वैक्स बाथ। वैक्स बाथ मतलब पूरे जो है आप मोम से आपको नहलाया जाएगा। चोट ग्रस्त जोड़ के भाग पर बैंडेज या पट्टी बांध कर उसके ऊपर बूंद बूंद करके मिश्रण को टपकाया जाता है। लगभग 3 से 3 मिनट तक यह मिश्रण क्रमानुसार डाला जाता है और इस विधि में 6 से 12 बार दोहराया जा सकता है। इसमें चिकित्सा का समय 20 से 30 सेकेंड का होता है और चिकित्सा के पश्चात चोट ग्रस्त भाग को कपड़े से ढक दिया जाता है। नोट, इस चिकित्सा का उपयोग घाव, चर्म रोग, सुन हो रहे अंग, ब्लड प्रेशर के मरीज आदि पर नहीं किया जाता जाना चाहिए और पैराफिन मिश्रण को और भी कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पैराफिन पेंटिंग, पैराफिन डीप आदि। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर।